सभी का स्वागत है, मैं हूं निशा। चीन में जन्मा कोरोना वायरस पूरे विश्व पर अपना कहर बरपा रहा है। ज्यादातर देश आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। पिछले लगभग 4 माह में धीरे धीरे विश्व के 212 देश कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। विश्व के संदर्भ में भारत और छत्तीसगढ़ का एक विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत है। विश्व भर में अब तक कुल कोरोना मरीजों की संख्या 42,56,539 है। वहीं 15,27,758 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, लेकिन 2,87,353 मरीजों को वापस घर जाना नसीब नहीं हुआ। विश्व में सबसे ताकतवर देश अमेरिका कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है। अमेरिका में 11 मई तक 13,85,834 कोरोना मरीज पाए गए हैं, जबकि 81,795 लोगों की मौत हो गई, जो विश्व में सबसे अधिक है। अमेरिका में अब तक 2,62,225 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि 10,41,814 मरीजों का इलाज जारी है। भारत के संदर्भ में देखें तो 11 मई तक कुल मरीजों की संख्या 67,152 है, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या 20,917 है। वहीं 44,029 मरीजों का इलाज जारी है। मौत का आंकड़ा 2,206 है। छत्तीसगढ़ में 11 मई 2020 तक के कोरोना अपडेट पर नज़र डालें तो देश अन्य राज्यों की अपेक्षा बेहतर स्थिति में है। छत्तीसगढ़ में अब तक 59 मरीज मिले हैं, जबकि 53 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। अच्छी बात यह रही कि यहाँ पर किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में पहला मरीज 19 मार्च 2020 को मिला था। लंदन से आई पहली मरीज जो ठीक होकर घर जा चुकी है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी जिलों में बखूबी पालन करवाया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, मीडियाकर्मी, समाजसेवी संस्थाएँ और आम नागरिकों ने कोरोना योद्धा की तरह भरपूर सहयोग किया कोरोना योद्धाओं की तरह भरपूर सहयोग किया। आप सबने जो अनुशासन, संबल और संकट से निपटने की जिजीविषा दिखाई है वो विलक्षण है। आज छत्तीसगढ़ कोरोना वायरस महामारी के नियंत्रण में पूरे देश के समक्ष उदाहरण बना है। तो इसके मूल में आप लोगों का अपने परिवार, अपने राज्य के लोगों के प्रति त्याग और समर्पण का भाव है। मैं इन सबके लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ ने पूरे देश भर में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अलग पहचान बनाई है। बहरहाल एक और परीक्षा अभी बाकी है, जब 1.5 लाख मजदूर इस प्रदेश में पहुँचेंगे जो विभिन्न कोरोना संक्रमित प्रदेशों से आ रहे हैं। सरकार ने दावा किया है कि इसकी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले का कटघोरा कोरोना हॉटस्पॉट बन चुका था। इस हॉटस्पॉट की जिम्मेदारी कलेक्टर किरण कौशल को दिया गया था। वहीं पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के पास कानून व्यवस्था और आदेशों का पालन करवाने का जिम्मा था। IPS उदय किरण, आयुक्त और डॉक्टरों ने कोरोना को कटघोरा से खत्म करने के लिए कोरोना भगाओ अभियान भी चलाया। आज पूरा विश्व कोरोना जैसे महामारी से लड़ रहा है, जिसका दोषी चीन है। अभी तक दुनिया में 2,70,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना ने सबसे ज़्यादा तबाही यूरोप और अमेरिका में मचाई है। कोरोना ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया है। हमारे भारत देश में कोरोना के चलते लगभग 2,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके चपेट में छत्तीसगढ़ राज्य भी आ गया है। भगवान का शुक्र है कि छत्तीसगढ़ में अभी तक कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। हमारे द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर कोरोना योद्धाओं से बातचीत की गई। 100 मीटर में ही रोक रखना कैसा चैलेंज था ये? देखिए, कटघोरा का जो हॉटस्पॉट है ये निश्चित रूप से बहुत चैलेंजिंग हॉटस्पॉट था, क्योंकि बिल्कुल कटघोरा टाउन के भीतर की घनी बस्ती का इलाका है एवं कटघोरा टाउन वैसे भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट नगर पालिका क्षेत्र है और वहाँ पर इसको कंटेन करना और स्थितियों को कंट्रोल करने में जो पूरी टीम है, चाहे वो पुलिस की टीम हो चाहे
प्रशासन की है या सभी लोग जो हैं उन लोगों ने बहुत अच्छा इसमें काम किया है। साथ ही जो कटघोरा के आम जन हैं उन लोगों का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा और उन सभी ने लॉकडाउन का पालन करके और संयम धैर्य और अनुशासन का दिखाते हुए उन्होंने इस काम को बहुत अच्छे से करने में हम लोगों को सहयोग दिया। ड्यूटी पड़ा और किस तरह के चैलेंज थे और काम कितने घंटे करने पड़ रहे थे आपको? देखिए काम तो हम लोगों ने काफ़ी हमारी पूरी टीम लगी रही और दिन रात किसी भी टीम के सदस्य ने नहीं देखा और बहुत अच्छे से सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें काम किया है और इसमें मैं अपनी तरफ से सभी टीम के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, बधाई देना चाहूँगी एवं मैं टीम लीडर के रूप में मैं मानती हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतनी अच्छी टीम और इतने अच्छे लोग के साथ में मुझे काम करने का अवसर मिला और निश्चित रूप से ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि भी रहेगी और एक काफ़ी बड़ी स्मृति और एक अच्छा अनुभव हम लोगों को रहेगा कि इसको हम लोगों ने इसको हैंडल करना अपने आप में एक बड़ा अच्छा अनुभव रहेगा। एडिशनल एसपी ने अपने दलबल के साथ गाइडलाइन का पालन करवाने में जी जान से जुटे रहे। उनके साथ जनप्रतिनिधि और जनता ने भी पूरा सहयोग किया जिसके परिणाम स्वरूप कोरबा जिला अब ऑरेंज जोन में आ गया है। अब इंतजार है ग्रीन जोन का। मैं उप निरीक्षक राजेश चंद्रवाल से विगत अभी 11 महीने से मैं चौके भरी रामपुर के पद पर कार्यरत हूँ। इससे पहले जिले के मानिकपुर चौके भरी रहा हूँ, इसके पहले थाना उधर भरी रहा हूँ। जिले प्रतिस्थापना के दौरान ही मैं मेरी प्रतिस्थापना नक्सल जिला सुकमा में हुआ था, मैंने वहाँ भी अपनी सेवाएँ दी हुई हैं। मैं मुर्ता डिस्ट्रिक्ट का वर्धक रहने वाला हूँ। सर बताएं जैसे कोरोना जैसे महामारी में आप अपने आप को कैसे ढाल रहे और कोरोना को ग्रीन जोन ऑरेंज जोन में लाने तक कितना शासन का आदेश कैसे पालन किया? इस कोरोना महामारी जो है पूरे देश में व्याप्त है और एक शासन ने इसको महामारी भी घोषित किया है। तो जब लॉकडाउन स्थिति चालू हुई थी 22 मार्च से, सबसे बड़ी चैलेंज तो हमारी रहती है कि इस लॉकडाउन में लोगों घर में रहें, घर से बाहर ना निकलें। तो उसके लिए लगातार हमने कोशिश किया कि एक तो जागरूकता हमने जागरूकता के माध्यम से कि अपील किए लोगों से लाउड स्पीकर के माध्यम से पेट्रोलिंग व्हीकल के माध्यम से कि आप अपने घर में बने रहें क्योंकि अभी तक जैसे कि कोरोना का चल रहा है कि इसका सिर्फ प्रभावी रोकथाम ही अभी है, कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं। तो उसके सबसे प्रभावी तरीका यही था कि लोग अपने घर में रहें, जो चेन है कोरोना का वो चेन ब्रेक हो, चेन मत बने क्योंकि वो चेन से ही कोरोना फैलती है। इसके अलावा जो हमने अलग अलग जगहों में चौक चौराहों में पिकेट्स लगाई हुई थी, ड्यूटी लगाई हुई थी, इसमें जो आवर्स दिए हुए थे शासन के द्वारा कितने घंटे के दौरान ही लोग अपनी आवश्यक कार्रवाई करेंगे और सामान खरीदी करेंगे, तो उसमें भी हम लोग कड़ी नज़र रखे थे कि इनमें भी लोग अनावश्यक ना निकले। इसके साथ साथ हम लोगों ने कि क्योंकि इसमें डर भी जरूरी था तो हम लोगों ने काफ़ी मात्रा में जब रेड जोन में हमारे कोरबा का पॉजिटिव कठोरों में और कोरबा में पाया गया था और जो थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ी तो बड़े मामले में हमने मामले भी कायम किए उसमें क्योंकि मेन चीज़ है आदमी का जान बचे, ये सबसे इम्पोर्टेंट था। तो हमने हर अपील के माध्यम से कार्रवाई के माध्यम से कोशिश किया कि चीज़ें कंट्रोल रही और जनता ने भी काफ़ी सहयोग किया, समझे और इसी प्रयास है कि हमारा जिला ऑरेंज जोन में। तो ऑरेंज जोन में सर अभी कोरोना है और ग्रीन जोन में आने में कम से कम अभी शासन की तरफ से आपको क्या अभी तो जैसे कि 17 मई तक अभी लॉकडाउन भी बढ़ा हुआ है उसके संबंध में कुछ कुछ छूट भी दी हुई है। तो हमारे पूरे शासन प्रशासन पूरे वरिष्ठ अधिकारी आदरणीय कलेक्टर मैडम आदरणीय एस पी सर और पूरे जो टीम लगी हुई है उनके मार्गदर्शन में हम लोग लगे हुए हैं कि अभी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उस रिस्ट्रिक्शंस का लोग निर्बाध रूप से मत फायदा उठाएं, इकट्ठा मत एक जगह। तो हमारी प्रयास यही है कि जो चेन है चेन टूटे रहे, अनावश्यक कोई न घूमे और उसी माध्यम से हम कंट्रोल करेंगे कि जब लोग बाहर नहीं आएंगे चेन टूटेगी तो हमारे जिला जल्द ही ग्रीन जोन में आ जाएगी। सर आप 24 घंटा मेहनत की 24 घंटा और मेरा 3 साल का बच्चा है। हुआ क्या जैसे लॉकडाउन लगा था तो एक दो दिन तो अभी छूप वाली छूप मतलब ये फैलने वाली बीमारी है कि हम 24 आवर यहाँ है वहाँ है लोगों के संपर्क में है
क्वारंटाइन भी कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र में बहुत सारे क्वारंटाइन सेंटर भी था, लोगों को हमने सेंटर में जाके क्वारंटाइन भी किए, उनके परिवहन की व्यवस्था की भी ड्यूटी कर रहे हैं। इस बीच में एक मन में रहता था कि संक्रमण की फैले ना, तो घर में जाता था तो डर लगता था कि यार बच्चे को भी ऐसा मत फैले, तो मैंने दो दिन के बाद ऐसे डर लगा, दो दिन के बाद तुरंत अपने बच्चे को और फैमिली को परमिशन के साथ मैंने उनके नाना जी के घर छोड़ दिया, तो घर छोड़ दिया था। लगभग एक महीना तक वो लोग वहीं रहे, एक महीना मैं घर में अकेले रहा। कोरोना के समय सर अभी आपके चौकी क्षेत्र में कितना कोरोना के समय हमारे करीब 30 मामले हम लोगों ने 188 के तहत दर्ज किए हैं, जिसमें काफ़ी संख्या में कार और मोटरसाइकिल भी जब्त हुई है। इनके साथ साथ बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क थे, करीब 50 लोगों के आसपास बिना मास्क जो पहनने वाले उनके ऊपर फाइन किए हैं। काफ़ी मोटर व्हीकल एक्ट मामले हमने दर्ज, करीब 365 मोटर व्हीकल एक्ट मामले हमने कायम किए हुए थे। इस प्रकार हमने भरसक प्रयास किए हर संभव की चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोल में हों। कोरबा जिला ग्रीन जोन होने का मापदंड पूरा कर चुका है, अब इंतजार है तो बस लॉकडाउन खत्म होने का। कोरबा जिले के हमारे प्रतिनिधि दयाशंकर तिवारी ने कोरोना योद्धाओं से बात की। मैं विजेंद्र नागेश, शुभ संचालक जनसंपर्क के पद पर यहाँ पर कोरबा डिस्ट्रिक्ट के जिला जनसंपर्क कार्यालय में उपस्थित हूँ। सर, ये बताएं कि जब कोरबा जिला कोरोना जैसे महामारी का गिनती उस समय कलेक्टर नगर क्या सर आपको अध्यक्ष था आई जी किया कैसे आएगा? कोरोना संक्रमण के बीच में यारों की भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस संक्रमण क्योंकि संक्रमण अदृश्य प्रकार का संक्रमण है और कई प्रकार की फेक और भ्रामक खबरें, कई प्रकार की दहशत में डालने वाली कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाली खबरें जो है वो सोशल मीडिया में वायरल होती थी, खबरों पर होती थी। हम लोगों को ये चुनौती थी कि प्रेस को जो खबर मिले वो खबर ऑथेंटिक मिले, वो खबर अधिकृत रूप से मिले। जो भी प्रेस को इन्फॉर्मेशन मिलती थी उसके लिए हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया, रोज दोपहर और शाम को हम लोगों ने प्रेस को ब्रीफ किया और प्रेस को जो भी हमारे तरफ से आधिकारिक रूप से जो हमारी जानकारियाँ थी उनका जानकारी हमने दिया। इससे ये हुआ कि जो झूठी खबरें थी या खतरनाक खबरें थी उन खबरों का फ्लो रुका और लोग हमारे यहाँ जो हमारे कोरबा डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं उनको शासन प्रशासन के प्रति विश्वास ज़्यादा और लोगों ने ये सोचा कि खबरें जो हैं उन खबरों से ही, शासन की अधिकृत खबरों से ही जो है उनको विश्वास करना है। कोरबा जिला आरंभ में आ गया और कलेक्टर मंडल में अथक प्रयास से, आपके अथक प्रयास से, चूँकि आप मीडिया जनता शासन देखिए रेड जोन से ग्रीन जोन में, रेड जोन से ऑरेंज जोन में भी हमने जा रही है। रेड जोन में जब कोरबा था कठोरा बहुत छत्तीसगढ़ का पहला बड़ा हॉटस्पॉट बन गया था, 27 केस करीब वहाँ पर निकल गए थे। रात दिन हम लोगों ने मेहनत की, कलेक्टर मैडम के मार्गदर्शन में उनकी रणनीति पर काम किया, 2400 घंटे हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने काम किया, हमारी कोरबा जिले की टीम ने काम किया और उसके बाद हम लोगों ने बहुत अथक प्रयास के साथ मेडिकल के हमारे डॉक्टर्स और टेक्नीशियंस ने, पुलिस के स्टाफ ने, हमारे राजस्व विभाग के लोगों ने, सभी लोगों ने बहुत काम किया उसमें और हम लोगों ने कोरोना में जब जो है वो बहुत आधी से ज़्यादा जब हम लोगों ने जीत लिया। अभी हम लोग उसका ही परिणाम है, हम लोगों के सबके अथक प्रयास का ये परिणाम है, कलेक्टर मैडम के मार्गदर्शन का ये परिणाम है कि हम लोग जो है वो रेड जोन से ऑरेंज जोन में आ रहे हैं। पिछले 14 दिनों से हमारे जिले में एक भी कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के हिसाब से यदि आने वाले 14 दिनों तक और हमारे जिले में कोई केस नहीं आता है तो हम ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में चले जाएंगे और यदि उस ग्रीन जोन के बाद 7 दिन तक और कोई केस हमारे जिले में नहीं आता है तो हमारे लिए हम जो है वो एक ओपन डिस्ट्रिक्ट जैसे सामान्य स्थिति वैसी थी वैसी स्थितियों को हम फील कर पाते हैं। गतिविधियाँ यहाँ पर प्रतिबंधित की गई हैं या जिन पर धारा 144 के और कोविड के प्रोटोकॉल के हिसाब से जिन गतिविधियों को यहाँ पर रोक लगाई गई है वो गतिविधियाँ भी उसके बाद शुरू हो जाएंगी और इसके लिए हम लोग अभी भी बहुत प्रयास कर रहे हैं।
हमारे सामने भी एक सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो अन्य प्रांतों से श्रमिक यहाँ पर आने वाले हैं, उन श्रमिकों से जो संभावित कोरोना का संक्रमण हमारे जिले में आने वाला है, उसके लिए हम सब तैयारी कर रहे हैं। हमारे कलेक्टर मैडम का जो रणनीति है कि खतरे के पहले ही वो पूरी प्लानिंग कर लेती हैं, उस प्लानिंग के तहत हम लोगों ने पूरी तैयारियाँ कर ली हैं और जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं या जो आने वाले हैं वो हम लोग 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करने वाले हैं, उनकी पूरी व्यवस्थाएँ कर रहे हैं, उनका जो है मेडिकल टेस्ट कराएंगे, उनके खाने पीने रहने की पूरी व्यवस्था करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि वो कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने सीधे अपने घरों पर आ जाए, सबसे पहले 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहे, हमारे शासन के और मेडिकल स्टाफ के सुपरविजन में रहे और जब वो हमको ये लग जब मेडिकल स्टाफ को ये लगेगा कि ये कोरोना से मुक्त है तभी वो उनको अपने घर जाने देगा। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के दिशा निर्देश है कोरोना को नियंत्रित करने और उसकी रोकथाम के लिए और कानून व्यवस्था के हिसाब से कि जो भी फेक न्यूज़ है उन फेक न्यूज़ से जो है पत्रकारों को परहेज करना था। हमारे ज़िले में कुछ ऐसे ये भी कहूँगा कि जानबूझ के हुए हैं, कुछ ऐसी घटनाएं या कुछ ऐसी खबरें जो है सोशल मीडिया में वायरल हुई हैं जो कि पूरी तरह से गलत थी, उनसे हमारे ज़िले के वासियों में दहशत का माहौल बना, उनसे कोरोना को लेकर के लोग भयभीत हुए और उस भयभीत और हड़बड़ी में लोगों ने जो है वो अपने घरों से निकल करके प्रोटोकॉल तोड़ने की कोशिश की या कानून व्यवस्था की स्थिति हमारे प्रशासन के सामने निर्मित हुई और उसको हमको उसको कंट्रोल करने में दूसरा विषय जो विशेष विषय था कोरोना का नियंत्रण और इलाज उसको छोड़ करके हमको उसमें लगना पड़ा, हमारी आधी से ज़्यादा एनर्जी उसमें जो है वो लगी। इस कारण से जो है फेक न्यूज़ के कारण ही जो है कुछ पत्रकारों पर जो है वो पुलिस ने कार्रवाई की। और शुरू से ही कलेक्टर ने और हमें जो है पत्रकारों के संरक्षण के सहयोग का ही के लिए काम किया है और इस बात में हम लोगों ने पुलिस और प्रेस की साहब के माध्यम से पुलिस के लोगों को ये पूरी तरह से महसूस था कि पत्रकारों से न्यूज़ कलेक्शन करने दिया जाए, लेकिन कुछ पत्रकार न्यूज़ कलेक्शन के नाम पर जो अपना अनर्गल और अनावश्यक विचरण किए हैं उन्हीं लोगों को परेशानी हुई है। बाकी जो पत्रकार न्यूज़ कलेक्शन के लिए आए हैं जिन पत्रकारों को समाचार के लिए जाना था उन पत्रकारों को तब शामिल हुई, समय समय पर हमने उन लोगों का सहयोग किया है। कुछ पत्रकारों के हमारे पास फोन भी आए कि हम यहाँ हमें यहाँ पर रोक लिया गया है या हमें यहाँ से चारों नहीं लिया जा रहा है, तो हमने संबंधित पुलिस अधिकारियों को उस जगह पर के पदस्थ पुलिसकर्मियों को भी फोन करके जो है पत्रकारों को भी करवाया। कोरोना के हिसाब से मैं तो ये कहती हूँ कि कोरोना जो है उससे बचाव का एक विशेष और सबसे सटीक जो तरीका है वो ये है कि आप सामने वाले को कोरोना पॉजिटिव समझें। आप हमेशा सामने वाले को कोरोना पॉजिटिव समझें और कोरोना के जो प्रोटोकॉल है जो सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल है जो सैनिटाइजेशन का प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल को आप हमेशा बना के रखें, अपने चेहरे पे मास्क हमेशा लगाकर रखें, बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, इसी से ही कोरोना जो है वो कोरोना पर विजय पा सकते हैं। शासन प्रशासन जो है डॉक्टर इंजीनियर हम प्रशासन पुलिस के लोग सब कोरोना से नियंत्रण के लिए जूझ रहे हैं और वो सब आपकी सुरक्षा के लिए जो है वो 24 घंटे काम कर रहे हैं, अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। तो प्रशासन की यही अपील आप जनता से है कि वो भी प्रशासन का सहयोग करें, जो प्रोटोकॉल उस प्रोटोकॉल को माने, घरों पर रखें, जब तक भीड़ न लगाएं और जब तक अत्यधिक जरूरी न हो उन्हें घर से बाहर
परिस्थिति में जरूर परेशानी रही, लेकिन रात में और दिन में कड़ी मेहनत करते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देश आदेश उनका आगमन हो रहा था लगातार। एसपी साहब, पुलिस अधीक्षक महोदय, इस पर एसपी साहब लगातार यहाँ बने रहे, एसपीओपी साहब, सीएसपी साहब, इन सब के मार्गदर्शन निर्देश में काम किए। और निश्चित तौर से इससे जितने भी कोरोना पॉजिटिव पर घोड़ा को हॉट स्पॉट रहा और 26-27 कोरोना पॉजिटिव यहाँ पे आए, सभी को समय अनुसार प्रशासन और हेल्थ डिपार्टमेंट सभी के सहयोग से सबको इनको इलाज के लिए भेजना भेजा गया। और उसके अलावा जो अन्य जो उनके नज़दीक आए और लोग थे तो उनको क्वारंटाइन करने के लिए ये बहुत बड़ी व्यवस्था थी। अकेले किसी एक की बस की बात नहीं है, ये सब चीज़ें उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन और निर्देश और हम लोगों की मेहनत और निश्चित तौर पर इसमें काम किए हैं। बड़ी गंभीर परिस्थिति थी उस समय, शुरुआत में एक कोरोना पॉजिटिव आया यहाँ से करके सुनने से ही दहशत की स्थिति तय की लगी, लेकिन गए मौके पर जा करके उनको जो जमाती थे लड़का नाबालिग था उनको मस्जिद से निकाले, फिर उनको एम्स के लिए भेजे। उस समय को परिस्थिति थी, फिर उसके बाद बाकी सभी को उनको क्वारंटाइन भेजा था। ये सब धीरे धीरे ऐसी स्थिति इतना कड़ा गठभोरा में कड़ाई बरती गई, तब जाके वो वहाँ कंट्रोल हुआ। और उसके बाद अभी तक कठघोरा में वही स्थिति है कि ड्यूटी रात और दिन पूरा पुलिस बल 200 से 300 का पुलिस बल यहाँ रात और दिन पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन उनका जो है आदेश पर लगातार काम कर रहे हैं, दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ जो है सीसीटीवी कैमरे भी लगवाया गया है, जिस तरह पुरानी बस्ती में जहाँ जहाँ आवश्यकता है ड्रोन कैमरे से भी यहाँ वो ट्रैक की जा रही है, फ्लैग मार्क भी निकाला जा रहा है और लगातार लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि आप घर पर बने रहें, सुरक्षित रहें और जो है कोरोना को भगाने में शासन को सहयोग करें। कोरोना एक्ट के तहत 28 अपराध जहाँ पंजीबद्ध किए हैं, धारा कोरोना इतना नहीं कहा जाए महामारी अधिनियम और जो है लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करना, इसके तहत जो है 28 प्रकरण अभी तक पंजीबद्ध किया गया है जिसमें कार्यवाही की जा रही है और सभी को जो है चलान ज्यादा महसूस किया जाए। कठघोरा शहर की बात करें तो यहाँ बहुत सी सामाजिक संस्थाएं हैं, जिनमें से कुछ सामाजिक संस्थाएं सामने आकर जो है जनता जो पैदल जा रहे थे मजदूर उनका भी सहयोग किए, उनको घुमाए खिलाए पिलाए व्यवस्था किए और जो है उनको खाना पीना दिए और अन्य तरह से भी वो लोग जो पुलिस ड्यूटी में थी या अन्य जो स्टाफ ड्यूटी में रहते थे तो उनको भी वो नाश्ता चाय ये सब करके और उसके बाद तो फिर पूरी व्यवस्था शासन प्रशासन ने अपने हाथ में थोड़ा सामाजिक संस्था के माध्यम से भी काफ़ी सहयोग किया हम प्राप्त हुआ। मजदूरों का पहले जिस तरह से जा रहे थे अब उसमें ये हो करके नया आदेश पारित हुआ है कि उनको हर हालत में बस से गंतव्य तक पहुँचाया जाए और तब से लेकर के आज तक अभी
यही हो रहा है कि जो मजदूर जिधर जाना चाहते हैं उनको शासन की ओर से बस लेकर के उनको पहुँचवाया जा रहा है, और बाहर से जो मजदूर यहाँ आ रहे हैं यहाँ के हैं उनको भी क्वारंटाइन में रख करके उनको उनके घर छोड़ने के लिए है, लेकिन पहले क्वारंटाइन में रह के नियम का पालन किया कराया जा रहा है। पार्टी स्तर पर कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने भी पूरा सहयोग किया, जिन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर लगातार कार्य किया। चूंकि हमारा कोरबा जिला ऑरेंज जोन हो चुका है, ऑरेंज जोन में अपने जिले में आप जा सकते हो, अपने जिले में आने जाने में कोई कठिनाई नहीं है, कहीं कोई रोक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल से लोगों से अपील करूंगा बगैर जरूरत, चूंकि अभी आप कोरोना से मुक्त नहीं हुए हो, अभी एक सीढ़िया चढ़े हो, अभी लंबी छलांग आपको लगानी है, तो आप बगैर जरूरत इधर उधर न घूमें और साथ साथ अपने परिवार के अपने घर के लोगों को भी समझाएंगे। मेरा तो ये कहना है कि अगर हर व्यक्ति अगर अपने परिवार को सेव कर ले तो निश्चित तौर पर कोरोना से कोरोना जैसी बीमारी से हम लड़ सकते हैं। मैं आजी खिलाफ खान मुस्लिम समाज का अध्यक्ष, अभी तुरंत जो हमको मुस्लिम समाज छत्तीसगढ़ का संरक्षण बनाया है। अभी कोरोना से कोरोना जैसे महामारी में आपका विशेष योगदान रहा है, कोरोना को भगाने कोरबा जिला रेड होते होते अभी ऑरेंज में आके रुका है और ग्रीन होने का एक मापदंड होता है, तो आप कोरोना के योद्धा हैं, तो कोरोना के योद्धा होने के नाते आप क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना किसी एक व्यक्ति के प्रयास से ये संकट से हमको निजात नहीं मिला है, इसमें खास करके मैं अपने कोरबा के कलेक्टर मैडम को सबसे पहले मुझे बधाई देना चाहता हूँ, कोरबा एसपी को बधाई देना चाहता हूँ और हमारे स्वास्थ्य विभाग के बधाई देना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन के लोग जो इस कड़कड़ाते धूप में भी ये लोगों को रोका, लॉकडाउन पर पूरी सख्ती से अमल कराया, जिससे कि कोरोना की महामारी जो है कोरोना में रेड जोन होते होते बच गए। दूसरी चीज़ खास करके मैं मीडिया के लोगों को भी इसका बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने इसमें जहाँ से भी उनको थोड़ी सी न्यूज़ मिलती थी लोगों को हाईलाइट करके जहाँ पर प्रशासन को अपना कार्य देना था, तो इससे मीडिया और हमारे समाज सेवी लोग सब लोगों ने सामूहिक प्रयास किया, इस सामूहिक प्रयास से आज जो है हमारा कोरबा जो है रेड जोन होते होते आज हम ऑरेंज जोन में आए हैं। इसके लिए मैं अपने जिला के मुखिया हमारे किरण कौशल जी को मैं इसका बधाई देता हूँ और सबसे ज़्यादा श्रेय उनका खास करके हमारे क्षेत्र के जो मंत्री हैं माननीय जयसिंह अग्रवाल जी, उन्होंने एक एक चीज़ों पर बारीकी से नज़र रखा, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा और एक एक चीज़ बोले माइनोरिटी डीपली जाकर उन्होंने चेक किया, जिससे कि आज देखिए कोरबा कटोरा में जिस तरह से एक 24-25% मिले उससे हम सब डर गए थे कि क्या हो रहा है, आगे चल के ऐसा ना हो कोरबा जो है मतलब बड़ी भयानक स्थिति बन जाएगी, लेकिन उसमें जिस तरह से हमारे प्रशासन के लोग और खास करके हमारे एडिशनल एसपी जिनको चार्ज दिया गया उदय किरण जी को मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ इसको कंट्रोल किया और हमेशा जो कि आज देखिए कि जब कोरोना फैलता है तो लोग वहाँ जाने से घबराते हैं, लेकिन कलेक्टर मैडम अपने साथियों के साथ एकदम भिड़े रहे, तो सबसे पहले मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ और किसी एक व्यक्ति का ये नहीं, सारे लोग सामूहिक प्रयास से आज हम कोरोना में विजय पाए हैं। लॉकडाउन 17 तक पड़ गया, लॉकडाउन में मान लीजिए क्या सुझाव? आने वाले कुछ माह तक कोरोना से बचना होगा, उसके बाद जिंदगी एक बार फिर पटरी पर लौट सकेगी। तथा सुंदर किया जा रहा है, आपकी संस्था के द्वारा 10 क्विंटल चावल दान किया गया, कैसे?
आज देखा जाए तो पूरे विश्व में कोरोना जैसे महामारी फैली हुई है और इससे लोग बहुत परेशान है, पीड़ित है। तो इसलिए हमारी जो संस्था है ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय, ये यहाँ ही नहीं हर जगह सहयोग कर रही है, पूरे वर्ल्ड में। हाँ, पूरे वर्ल्ड में ये सहयोग कर रही है। और यहाँ भी हम लोग ये पूर्व में हमारी बड़ी दीदी के द्वारा उन्होंने 10 कुंटल चावल सहयोग के लिए दिया और झंडा फहराया। मैं झंडा दिखाती हूँ अभी गाड़ी पर। मेरा नहीं है बाइक पे, जरूरत पड़ेगा तो और भी करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो आगे करेंगे। कोरोना जैसी महामारी को हम इंडिया से बधाई में कोरोना से बधाई ऐसा जी 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 बताए। तो ये कोरोना जैसे महामारी में कोरोना संस्था के द्वारा छत्तीसगढ़ के सब सामाजिक संस्था के द्वारा तथा सुंदर आपकी संस्था के द्वारा 10 क्विंटल चावल काम किया गया, कैसे? आज देखा जाए तो पूरे विश्व में कोरोना जैसे महामारी फैली हुई है और इससे लोग बहुत परेशान है, पीड़ित है। तो इसलिए हमारी जो संस्था है ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय, ये यहाँ ही नहीं हर जगह सहयोग कर रही है, पूरे वर्ल्ड में। हाँ, पूरे वर्ल्ड में ये सहयोग कर रही है। और यहाँ भी हम लोग ये पूर्व में हमारी बड़ी दीदी के द्वारा उन्होंने 10 कुंटल चावल सहयोग के लिए दिया और झंडा फहराया। मैं झंडा दिखाती हूँ अभी गाड़ी पर। मेरा नहीं है बाइक पे, जरूरत पड़ेगा तो और भी करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो आगे करेंगे। कोरोना जैसी महामारी को हम इंडिया से बधाई में कोरोना से ऐसा जी जी जी। मेरा नाम है पवन कुमार गुप्ता, कोरबा नगर निगम के पार्षद वार्ड क्रमांक 64। कोरोना जैसे महामारी में आपके वार्ड में आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? ये शासन के द्वारा जो भी राशन छिड़काव और दवा सब किया गया, उसमें पूरे हमारे वार्ड के सहयोग और पार्षद मेरे द्वारा छिड़काव किया गया। आपके साथ कितने टीम काम कर रहे हैं? मेरे साथ करीब 10 से 12 लड़के हैं। पब्लिक का सहयोग मिल रहा है? हाँ, पब्लिक का अच्छा सहयोग, वहाँ के समाज सेवी है उन लोगों का सहयोग मिल रहा है। अच्छा सहयोग मिल रहा है, जैसे पूर्वांचल के लोग हैं और आपके क्रांति सेना है, उनका भी कुछ सहयोग अच्छा मिल रहा है। वहाँ कोई भुखमरी से तो मर परेशान नहीं है ना? नहीं, वहाँ कोई भुखमरी सब ठीक है, सब ठीक है। परिचय बताएं। मेरा नाम फूलचंद सोनवानी है और मैं वार्ड नंबर 30 का बहुजन समाज पार्टी की ओर से पार्षद हूँ और अभी नगर पालिक निगम में मैं MIC हूँ। MIC आज कोरोना जैसे महामारी में हमारे पूरे भारत देश में कोरोना का बीमारी छाया हुआ है और छत्तीसगढ़ में भी है। छत्तीसगढ़ का 28 जिला है, कोरबा को ग्रीन हुआ, मतलब ग्रीन का दर्जा मिला है। कोरोना जैसे महामारी में वार्ड लेवल वार्ड के पार्षद हैं, कितने नंबर के पार्षद हैं? मैं वार्ड नंबर 30 का पार्षद हूँ, MIC भी हूँ। MIC भी और तो आपके द्वारा क्या क्या राहत कार्य किया गया? और इस कोरोना जैसे महामारी बीमारी में हम लोगों में वार्ड नंबर 30 में जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जो बाहर से आकर के यहाँ पर फंसे हुए हैं, उनके लिए हम लोग राशन और खाने पीने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, सब्जी की व्यवस्था कर रहे हैं और साथ ही साथ 5 KG चावल, दाल, नमक और आलू, भिंडी, सोयाबीन की बड़ी, दाल, इस टाइप का एक राशन किट बनाकर हम लोगों को पहुंचा रहे हैं। तो सर ये बताएं कि आपके क्षेत्र में मानिकपुर खदान है, मानिकपुर खदान में अनेक कंपनियां संचालित हैं और मानिकपुर का जो जीव है उन्होंने पार्षद फंड में कितना डोनेट किया? मानिकपुर वार्ड नंबर 30 का पार्षद होने के नाते मैंने भी SECL के प्रबंधन के पास गया था और लेकिन वहाँ से ऐसा कुछ विशेष सहयोग हमको प्राप्त नहीं हुआ है। चूँकि कोल माइंस होने के नाते यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर प्राइवेट कंपनियाँ हैं, उनसे भी हम लोगों ने सहयोग के लिए हम लोग गए थे लेकिन वहाँ से कुछ सहयोग नहीं प्राप्त हुआ है।
कोरबा जिले में नगर निगम आयुक्त कलेक्टर एसपी सफाई कर रहे हैं, निगम आयुक्त के बारे में आप क्या कहेंगे? निगम आयुक्त का हमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है, हमेशा उनके अधीनस्थ बहुत सारे कर्मचारी उनसे भी संवाद होते रहता है और हमें हम लोग उनसे मार्गदर्शन लेते रहते हैं जी। तो आप कोरोना के योद्धा के रूप में आपको देखा जा रहा है कोरबा जिला के? ये तो मैं कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में, लेकिन हमारा कर्तव्य है पार्षद होने के नाते और हमारे साथ साथ हम लोगों ने मानीपुर में एक निगरानी समिति बनाया हुआ है जो एक सर्वे करके ज़रूरतमंद लोगों को उचित उनका व्यवस्था करें ऐसा करके, और बहुत सारे साथी हमारे साथ भी चल रहे हैं, जैसे कि हमारे बगल में मूलचंद आजाद जी हैं और वो हमारे व्यवस्थापक भी हैं निगरानी समिति के, तो इनके साथ साथ बहुत सारे हमारे साथी जो सांसद चल रहे हैं। तो आपके अलावा आपके टीम में और कितने लोग हैं जो राहत कार्य में जुटे हुए? 20-25 साथी हमारे साथ में हैं, जैसे कि हमारे सतनामी समाज के दरा साहब सतरंग जी हैं, सरजू अजय है, नारायण पुरे है, मुकेश सोना है, नीरज सोनवानी है, पिंटू है और नारायण बाबा है, नारायण सोनी है, राजा सोनी है, इस टाइप हमारे साथ में बहुत सारे साथी। अच्छा, आप पार्षद हैं, आपके पास कितने सामाजिक संस्था के लोग दान देने के लिए आए या ऐसा राहत का कुछ दान खाना पैकेट या पैसा के? जी, हमारे पास तो सतनामी समाज के द्वारा 15,000 का डोनेशन दिया गया है लोगों को सहयोग के लिए, उसके साथ ही साथ सूर्यवंशी समाज के भी साथी लोग आए थे और भी यादव समाज के हैं, जैसे कि प्रेम यादव जी हैं, उनके द्वारा भी 10,000 का हमको सहयोग मिला है और 2-3 डॉक्टर्स हमारे मानिकपुर में हैं, तो जैसे कि स्मिता सोना जी हैं, डॉक्टर मनीष सोमानी हैं, इनके द्वारा भी हमको नगद राशि के रूप में प्राप्त हुआ है और साथ ही साथ जो हमारे साथी जो हैं मानिकपुर में जो कार्यरत हैं या दुकानदार हैं उनसे भी कुछ ना कुछ सहायता हमको मिलते रहता है, पैसे के रूप में हो या फिर रॉ मटेरियल्स है, दाल है या फिर आलू है, इस टाइप का हमको सुविधा दे रहे हैं। मानिकपुर खदान के जीएम से आपने पर्सनली सहयोग? चूँकि मैंने 2 बार उनसे संपर्क करने का प्रयास किया था लेकिन नहीं, मुलाकात नहीं हो पाया, उसके बाद हम लोग जो प्रशांत मैनेजर जो है मानिकपुर उनसे सहयोग हम लोग लेने गए थे लेकिन उनसे हमको उचित कोई मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ। चलिए, नारायण पुरे है, मुकेश सोना है, नीरज सोनवानी है, पिंटू है और नारायण बाबा है, नारायण सोनी है, राजा सोनी है, इस टाइप हमारे साथ में बहुत सारे साथी। अच्छा, आप पार्षद हैं, आपके पास कितने सामाजिक संस्था के लोग दान देने के लिए आए या ऐसा राहत का कुछ खाना पैकेट या पैसा के? जी, हमारे पास तो सतनामी समाज के द्वारा 15,000 का डोनेशन दिया गया है लोगों को सहयोग के लिए, उसके साथ ही साथ सूर्यवंशी समाज के भी साथी लोग आए थे और भी यादव समाज के हैं, जैसे कि प्रेम यादव जी हैं, उनके द्वारा भी 10,000 का हमको सहयोग मिला है और 2-3 डॉक्टर्स हमारे मानिकपुर में हैं, तो जैसे कि स्मिता सोना जी हैं, डॉक्टर मनीष सोमानी हैं, इनके द्वारा भी हमको नगद राशि के रूप में प्राप्त हुआ है और साथ ही साथ जो हमारे साथी जो हैं मानिकपुर में जो कार्यरत हैं या दुकानदार हैं उनसे भी कुछ ना कुछ सहायता हमको मिलते रहता है, पैसे के रूप में हो या फिर रॉ मटेरियल्स है, दाल है या फिर आलू है, इस टाइप का हमको सुविधा देना है। मानिकपुर खदान के जीएम से आपने पर्सनली सहयोग? चूँकि मैंने 2 बार उनसे संपर्क करने का प्रयास किया था लेकिन नहीं, मुलाकात नहीं हो पाया, उसके बाद हम लोग जो प्रशांत मैनेजर जो है मानिकपुर उनसे सहयोग हम लोग लेने गए थे लेकिन उनसे हमको उचित कोई मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ। चलिए, मेरा नाम संदीप शर्मा है और मैं यहाँ कटघोरा में जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मैं यहाँ पे ड्रोन उड़ा रहा हूँ प्रशासन के सहयोग के साथ और यहाँ डेली आता हूँ, सुबह दोपहर शाम और रात 4 बार ड्रोन उड़ाना पड़ता है और यहाँ पूरा नज़र रखना पड़ता है कि कोई आदमी बाहर तो नहीं निकल रहे, कर्फ्यू का पूरा तरह से पालन हो रहा है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकारिता के साथ साथ आप शासन को सहयोग दे रहे हैं, शासन के साथ कैसा तालमेल आपका? बहुत अच्छा तालमेल है, सुबह से मैं आता हूँ सर, सीएसपी सर के साथ आता हूँ और यहाँ पे पूरे खाने पीने की व्यवस्था, रहने वहने का सब का व्यवस्था सीएसपी सर किए हैं और बहुत अच्छा व्यवस्था है और उनके साथ ही साथ मैं पूरा कटघोरा में जितने भी वार्ड नंबर 11 और 12 में जितने भी
मोहल्ला का ड्रोन से कैमरा खींच के अपन तत्काल SP साहब को अपन देते हैं ताकि वो देख सके यहाँ पे कोई नहीं निकल रहा। किसके गाइडलाइन में आप काम कर रहे हैं? SP श्री अभिषेक मीणा जी हैं, जिनके गाइडलाइन वहाँ के योद्धा हैं जी। इस बात को मानते हैं ना? जी जी, मैं कोरोना का अभी जैसे मान लीजिए कोरोना कोटभोरा को ऑरेंज जोन में रखा, ऑरेंज जोन में रखा गया तो यहाँ आना सब लोग मतलब उचित नहीं समझते। आप एक पत्रकार होकर के सामाजिक सेवा काम कर रहे हैं, अभी कोरोना के योद्धा हैं और हम शासन से ये अपील करेंगे कि आप सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। लक्ष्मण श्रीवास इधर के। मेरा नाम लक्ष्मण श्रीवास है, मैं अभी हम लोग का जो महिला स्व सहायता समूह है अपने रोड़ी पारा से, हम लोग के द्वारा अभी कलेक्ट्रेट परिसर में दाल भात केंद्र का संचालन कर रहे थे। दाल भात बंद होने के बाद में कैंटीन के जो संचालन किया जा रहा है महिला समिति के द्वारा, और अभी कोरोना का जो संक्रमण जो अभी चालू हुआ उसके बाद में 17 तारीख से कलेक्टर महोदया, SDM साहब, तहसीलदार साहब के नेतृत्व में यहाँ पे महिलाओं को खाना बनाने के लिए जो क्वारंटाइन में रखे हैं, डॉक्टर लोग के लिए सब के लिए खाने वाने का व्यवस्था जो है इनके समिति के द्वारा अभी अच्छा से संचालन किया जा रहा है। एक ट्रामा सेंटर है, टॉप इन टाउन है, PSI हॉस्पिटल है, IT कॉलेज है, इनमें जितने भी क्वारंटाइन के लिए रखे गए हैं उन लोग के लिए खाना 24 घंटा मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, और उन लोग के लिए पूरा व्यवस्था जैसे आदेश कर रहे हैं कलेक्टर मैडम, SDM साहब, तहसीलदार साहब, उसके हिसाब से पूरा व्यवस्था दिन रात भीड़ करके पूरा। आपका टीम पूरा टीम कितना संख्या लेडीज 15-20 के संख्या में भी हैं, लोग पूरा बना रहे हैं, पूरा मेहनत कर रहे हैं, 24 घंटा मेहनत कर रहे हैं, सुबह नाश्ता से लेकर के सुबह नाश्ता अभी तो कभी 100-150 कभी जितना भी आगे पीछे हो रहे हैं, पूरा जितना आते हैं उसके हिसाब से हो रहे हैं। ये चलेगा जब तक लॉकडाउन है? अब देखिए, अब जैसे आदेश करेंगे SDM साहब, तहसीलदार साहब, उसके हिसाब से काम करेंगे और अच्छा से इन लोग के लिए भोजन की जो व्यवस्था हमारे टीम के द्वारा जितना अच्छा से अच्छा हो जाए, हमारा भी सहयोग है इसमें, जैसे अपना सब सहयोग अपना अपना कर रहे हैं उसी के हिसाब से हमारे महिला और हमारे टीम के द्वारा जितना भी सब हमारे समिति के लोग हैं बस्ती के सब के सब मेहनत कर रहे हैं। सेवा भावना के भाव से आप कर रहे हैं? सेवा भावना के भाव से कर रहे हैं लोग। जब तक कोरोना कोरबा से भगेगा नहीं आप सेवा देते हैं? जी जी, जब तक कोरोना का भगेगा नहीं तब तक हम लोग सेवा देते रहेंगे। बस आदेश, बस कलेक्टर महोदय मैडम और SDM साहब का आदेश करेंगे उसके हिसाब से हम लोग काम करते रहेंगे। आप भी एक कोरोना योद्धा के समूह हैं? जी जी, कोरोना योद्धा तो है ही है क्या, आप लोग सेवा का भावना है, योद्धा तो नहीं बोलेंगे हम लोग। जिला में सब होटल ढाबा सब बंद, सब पूरा आप अपने टीम के साथ 24 घंटा मिलके खाना जितने भी यहाँ पेशेंट है सबको देते हैं। जी जी, खास करके शासन के अधिकारी को देते हैं। हाँ, शासन हम लोग भी आ जाते हैं, हम लोग को मिल जाता है। जी जी जी, जो आप जो है कोरोना योद्धा के श्रेणी में है कि नहीं? चलिए ठीक है, ठीक। सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, सभी माताएं बहनें जो भी हैं सभी को, और ये ऑस्पिशियस दिन हम सभी की जो लाइफ में सबसे बड़ा रोल रहता है हमारी माताओं का ही रहता है, ये दिन उनका दिन है और सभी को मेरा साथ। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन है, आपको पूरा राज्य जिला कोरोना योद्धा के रूप में देख रहे हैं, आपके अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारियों के सहयोग से कोरोना जैसे बीमारी को कोरबा जिला में नियंत्रण पाया गया, इसके बारे में बता रहे हैं? ये सभी के संयुक्त प्रयास का ही परिणाम है, ये पूरा प्रशासन और पुलिस के द्वारा साथ में काम किया गया, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में किया गया और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए किया गया। हमारे सारे जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, जो भी आदेश यहाँ से SP ऑफिस से दिए गए थे, उन्होंने पूरी शिद्दत से उनका पालन किया, उनका एक एक जो भी ऑर्डर यहाँ से जाता था उसको फॉलो किया और जितना सिंसेरिटी से यहाँ पे काम हुआ है मेरे हिसाब से शायद ऐसा बहुत ही मुश्किल था, लेकिन वो यहाँ के द्वारा किया गया है। दूसरा बड़ी चीज़ ये है कि हमारा कोई भी खुद का पर्सनल इसमें इन्फेक्ट नहीं हुआ, जो टेस्टिंग की गई थी उसके बाद में, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जैसा कि आप सभी जगह देख रहे हो बड़े शहरों में कि पुलिस के भी लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, बट हमारे यहाँ ऐसा एक भी केस नहीं आया, इसलिए हमारी प्रोफेशनलिज्म और काम करने के तरीके का दिखाता है कि बहुत अच्छे से किया। सर, कोरबा में जब कटघोरा हॉट स्पॉट बना तो कटघोरा हॉट स्पॉट का प्रभारी अब किसको बनाया था? ये प्रभारी सारा जो समस्या रहती, इतना बड़ा समस्या था कि प्रभारी
एसपी ही रहते हैं, लेकिन इसमें जो ड्यूटी लगाई गई थी हमारे एसडीओपी हो गए, हमारे एडिशनल एसपी हो गए और कई सारे के इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी वहाँ लगी गई थी। तो प्रभारी एज सच कोई ऐसा नहीं है, लेकिन ड्यूटी सभी की थी, हर किसी का अपना अपना रोल था और हर किसी ने अपना रोल अच्छे से निभाया। सर, छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल महोदय ने फिर आपसे बात की, तो आपको कैसा लगा? ऑफकोर्स अगर इतना ऊँचे पद पर बैठे हुए लोग जब कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं ऑफकोर्स अच्छा लगता है, और हमारे लिए सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन लेकिन यही था कि हम लोगों के यहाँ हॉटस्पॉट होने के बावजूद किसी की जान नहीं गई और हम लोगों ने बहुत ही जल्द हमारे यहाँ ये कोरबा को कोरोना मुक्त कर लिया। आज की डेट में 23 दिन हो गए हैं कि हमारे यहाँ लास्ट केस आया है, यही सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन है। कोरबा जिला सर ग्रीन जोन का मापदंड पूरा कर चुका है, आगे शासन की तरफ से क्या दिशा निर्देश है, क्या करेगा? शासन के दिशा निर्देश जैसे मिलेंगे उसमें काम किया जाएगा, हालांकि इसमें आ गया है लेकिन अभी लिस्ट में हमारे यहाँ नहीं आया है। धीरे धीरे क्योंकि 21 दिन अब हो चुके हैं, कटोरा खोलने की कार्रवाई शुरू की जा रही है, प्रशासन द्वारा जो भी गाइडलाइंस इसमें बनाई गई हैं उनका पालन पुलिस द्वारा किया जा रहा है और उन्हीं के कोऑर्डिनेशन में हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि ये हो फेज वाइज मैनर में हो, धीरे धीरे करके इसको खोलेंगे। सर, कोरबा जिलेवासियों को आपके संदेश देना चाहिए? अभी क्योंकि ये महामारी के पूरे देश में देख रहे हैं केसेस बढ़ ही रहे हैं, अभी और भी ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ केसेस जीरो हो गए हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा से यह संक्रमण नहीं आ सकता। तो हर किसी हर जिलेवासी की, हर किसी सिटीजन की, हर किसी जिम्मेदार नागरिक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको समझें और कैसे भी करके इसको हमारे जिले से बाहर रखें। बहरहाल कोरोना से लड़ाई में छत्तीसगढ़ के काम की तारीफ सभी कर रहे हैं, इसका पूरा श्रेय प्रदेश के एक एक निवासियों को जाता है। DNX TV के लिए कोरबा से दयाशंकर तिवारी की रिपोर्ट।